हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुक विद इंडियन टेस्ट। फ्रेंड, आज हम कच्चे पपीते की सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड, ये कच्चा जब होता है तो हरा होता है और पपीता पक जाने के बाद पीला हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पपीता ली है, दो हरी मिर्च है, लहसुन और प्याज है, दो टमाटर, और टमाटर प्याज को काट लेंगे और ये पपीता को भी हम छील लेंगे। तो ग्रीन हिस्सा को भी छीलेंगे, अंदर का जो होता है हल्का सा बीज, उसे भी हल्के हाथों से छील के धो लेंगे। धोने के बाद ही बारीक काट के रख लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड, साथ में बेल आता है, बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो हमने टमाटर को बारीक काट लिया है, मिर्च को रफली काट लिया है और लहसुन 8 से 10 कलियां जो कि बारीक काट लिया, प्याज को भी काट लिया है। अब यहाँ पे पपीता को भी हमने धो के बारीक काट के तैयार कर लिया है। तो ग्रीन हिस्सा भी छील दिया हमने और आगे से भी जो थोड़ी सी बीज लगी हुई थी हल्की हाथों से छील के रख लिया। अब सूखी मसाला देख लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब एक कुकर लेंगे, कुकर में बारीक कटी हुई पपीता डाल देंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी पपीता लगभग 200 से 300 ग्राम होगा। अब इसमें नमक डालेंगे, इस टाइम नमक कम डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हमने नमक डाला है। अब इसे बंद कर देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे, 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 से 3 सीटी जैसे ही लग जाएगा तो इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका के गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद अपने आप ही गैस जब निकल जाएगा तो इसका ढक्कन खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सीटी लग गया है। अब लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे, इसके बाद ही अपने आप गैस निकलेगा तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो अब ये कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा कोई भी सब्जी टेस्टी बनती है, या तो अगर आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं तो उसी से आप बना सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच जीरा डाला, साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से डार्क गोल्डन होने देंगे, तभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाल लेंगे। लहसुन हमने 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक काट ली थी। तो आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे डार्क गोल्डन होने देंगे, लो फ्लेम पे डार्क गोल्डन करेंगे। जब भी आप तड़के को पकाते हैं तो जल्दीबाजी ना करें, लो फ्लेम पे ही तड़के को अच्छा सा गोल्डन होने देंगे। तो आप देख सकते हैं लहसुन हमारा गोल्डन हो गया है। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च भी साथ में ही डाल देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को भी अच्छा सा गोल्डन करेंगे। जब सारे प्याज गोल्डन हो जाएगा लो फ्लेम पे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं प्याज भी कलर चेंज कर लिया है, गोल्डन हो गया है डार्क। अब इसमें सूखी मसाला ऐड कर लेंगे। तो जो हमने सूखी मसाला लिए थे वो डाल देंगे एक ही साथ। अब लो फ्लेम करके, या तो आप गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लो रखी थी। तो लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक सूखी मसाले को भुनेंगे। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो फ्रेंड, आप टमाटर काटने के जगह पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। तो उससे पहले हम नमक डाल लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे नमक हमने पहले भी डाला था उबालने के टाइम में, तो इसीलिए इस टाइम नमक थोड़ा कम डालेंगे। अब 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि सूखी मसाला जले ना। अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और मसाला भी साथ में पक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 15 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोला, तो ये देखिए। तो फ्रेंड, हमने इतना ही पानी डाला था ताकि बचे ना। तो ये सब्जी सूखी बनती है, सूखी ही सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी।
या तो चाहे इसमें रस भी डाल सकते हैं। तो अभी से इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तब देख लेंगे मसाले को। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक पका दिया है। अब देख सकते हैं पानी भी सूख गया है। अब इसे चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे तो इस टाइम भी फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। अच्छे से दबा देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ में मसाला भी पक जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक लगेगा। तो बहुत ही अच्छे से हमने टमाटर को मिक्स कर लिया है। अब इसमें पपीता डाल लेंगे उबले हुए, इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे बंद करके पकाएंगे ताकि जो भी मसाला है उसका टेस्ट पपीता के अंदर भी आ जाए। तो इसे बंद कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे तो पपीता हमारा अच्छा सा पपीते की सब्जी तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे जो कि हमने भून के और इसे क्रश करके डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो धनिया के पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड कुक विद इंडियन टेस्ट को फेसबुक पेज पे लाइक एंड फॉलो करें, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के एंड में भी 4 वीडियो और देख सकते हैं। तो चाहे वहीं से क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो खुल जाएगा, तो वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।